डुओ पर आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर वैसे गुजरात राज्य की देवभूमि की यात्रा पर लेकर चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द्वारका की, जिसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना गया है। दोस्तों द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और ये हिंदू के चार धामों में से एक धाम तो है ही, साथ ही साथ ये सप्तपुरी में से भी एक है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। तो अगर आप भी द्वारका जाके श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसा कि आपको द्वारका तक कैसे पहुँचना है, वहाँ का रुकना है, कहाँ का आपको दर्शन करने हैं, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए, और इस सब के साथ साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि द्वारका की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको द्वारका तक कैसे पहुँचना है। तो गाइस यहाँ पर ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन बना हुआ है, आपको अपने शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन लेनी होगी। और द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से काफी सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको मंदिर परिसर तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपको अपने शहर से द्वारका स्टेशन